नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव। मैं हूँ स्वाति रायना। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, इन ट्रेनों के किराए 300 से 400 रुपए तक कम हो सकते हैं। दरअसल रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों से कंपलसरी केटरिंग को खत्म करने पर विचार किया है। मंत्रालय राजधानी और शताब्दी में केटरिंग को ऑप्शनल बनाने पर विचार कर रहा है, यानी टिकट के साथ खान पान की सुविधा अनिवार्य नहीं होगी। टिकट खरीदते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आप खाने का विकल्प लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आपने नहीं विकल्प चुना तो टिकट के रेट 300 से 400 रुपए तक कम हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक स्कीम की शुरुआत उन ट्रेनों से होगी जिनकी केटरिंग की जिम्मेदारी IRCTC के पास है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक महीने के भीतर करीब 10 ट्रेनों में इस सुविधा की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में शुरू हुई तेजस में केटरिंग की सुविधा ऑप्शनल है और पिछले साल ही रेलवे ने इस सुविधा का ट्रायल अगस्त क्रांति राजधानी और पुणे सिकंदराबाद शताब्दी ट्रेन में किया था। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित से ही बात कर लेते हैं। समीर, ये बताइए कि रेलवे ने अब ये सोचा है कि खाने की सुविधा ऑप्शनल की जाए, लागू कैसे किया जाएगा पूरी तरह? इस कदम से फायदा यह होगा कि राजधानी और शताब्दी ट्रेन के किरायों में कमी आएगी। और इसके पीछे जो तरीका रेलवे अपनाने जा रही है वो ये है कि राजधानी शताब्दी ट्रेन में जो कैटरिंग की सुविधा आपको दी जाती है और उसका किराया जो कि जो टोटल में जुड़ कर आता है, अब वो कैटरिंग सुविधा ऑप्शनल बना दी जाएगी। यानी कि आपको अगर कैटरिंग चाहिए ट्रेन में तो आपको उस विकल्प को चुनना होगा, और अगर नहीं चाहिए तो वो आपको विकल्प नहीं चुनना होगा। और कैटरिंग सुविधा के हटाए जाने से राजधानी और शताब्दी ट्रेन में 300 से 400 रुपये तक के किराए में कटौती होने का यहाँ पर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे का तर्क यह है कि इस एक तीर से वो दो निशाने साधने में कामयाब होगी। एक तो ये कि राजधानी शताब्दी के किराए में वो कमी ला पाएगी, जो अक्सर आप देखें कि लोग शिकायत करते हैं कि राजधानी शताब्दी का किराया फ्लैक्सी फेयर के चलते काफी ऊपर चला गया है, तो जो यहाँ पे किरकिरी हो रही थी रेलवे की उसमें कुछ हद तक वो कमी ला पाएगी। दूसरा ये कि ऑप्शनल कैटरिंग के जरिए जो रेलवे की दूसरी योजना है ई कैटरिंग, यानी कि मोबाइल या फिर फोन करके आप अपने मनपसंद खाना अपने ट्रेन या स्टेशन पे मंगवा सकते हैं, तो इस ई कैटरिंग को वो बढ़ावा दे पाएगी। जी समीर, तो वाकई सुविधा यहाँ पर तैयार होने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो रेलवे है ग्राहकों को यात्रियों को सुविधा दे रही है, लेकिन जो यात्री है वो ट्रेनों के साथ क्या करते हैं ये अब आपको बताते हैं। रेलवे की पहली प्रीमियम ट्रेन तेजस में पहले ही सफर में शर्मनाक मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए। यात्रा के दौरान ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया गया। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने सीटों पर लगे LCD स्क्रीन पर स्क्रैच मार दिए, हेडफोन्स चोरी कर लिए, ट्रेन में करीब आधा दर्जन से ज्यादा LCD स्क्रीन तोड़ने और करीब एक दर्जन हेडफोन्स चोरी करने का मामला सामने आया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सोमवार को ही जब हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि लोग इस तरह की हरकत करेंगे। ट्रेन शुरू होने से पहले जब तेजस एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई आ रही थी उस दौरान भी ट्रेन पर पत्थर मारकर उसके शीशे तोड़ने का मामला सामने आया था। तेजस ट्रेन का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने। भारत में अधिकतर जनसंख्या को या तो लग्जरी या सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, और जब उनको सुविधाएं देने की कोशिश प्रशासन या भारत सरकार करती है तो उसका क्या हाल करती है या आम जनता, हम आपको उसकी बांगी भर दिखाने के लिए तेजस ट्रेन में ले आए हैं। वही तेजस ट्रेन जिसको सुपर लग्जरी ट्रेन कहा जा रहा था, जिसकी तुलना फ्लाइट या एयरप्लेन से की जा रही थी, जिसमें सुख सुविधाएं जो थी वो आपको लगभग फ्लाइट जैसी देने की बात की जा रही थी। मेरे बिल्कुल ठीक बगल में मैं आपको सीट दिखा रहा हूं। दिखाने की वजह यह है कि यहां पर स्क्रीन लगाई गई थी। ये वो लगभग वही सिस्टम है जो आपको फ्लाइट में देखने के लिए मिलता है। आप इस स्क्रीन पर अपने वीडियो गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मनपसंद की मूवी देख सकते हैं। इस तरह की सुविधाओं से लैस ये ट्रेन थी। अपना सफर इस ट्रेन ने शुरू किया मुंबई के CST स्टेशन से लेके करमाली स्टेशन जो कि गोवा में आता है। फिर जब वापस ट्रेन आई है अपना पूरा चक्कर करके, अब हाल आप मेरे कैमरे के जरिए साफ तौर पे देख सकते हैं। ये वाली सीट पर स्क्रीन लगी हुई है, इस वाली सीट पर स्क्रीन नहीं है। और नहीं होने की जो वजह है वो ये है कि यहां पर जिन लोगों ने सफर किया उन्होंने इसकी जो LED स्क्रीन लगाई गई थी उसको स्क्रैच कर दिया। आधा दर्जन सीट्स ऐसी थी जिनकी LED स्क्रीन को डैमेज कर दिया है, उसको स्क्रैच कर दिया है, वो अब किसी काम की नहीं रही हैं, अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है। सिर्फ LED स्क्रीन्स के साथ नहीं बल्कि तकरीबन एक दर्जन हेडफोन्स, वो हेडफोन जिनको लोगों को मुहैया करवाया गया था कि वो आराम से, जो कि 5 Wi-Fi ट्रेन है, यहाँ पर अपने मनपसंद का म्यूजिक सुन सकते हैं, फिल्में देख सुन सकते हैं, वीडियो गेम देख और सुन सकते हैं, वो
हेडफोन्स को, तकरीबन एक दर्जन हेडफोन्स को लोग अपने साथ उठाकर अपने घरों पे ले गए हैं। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ अंगुरत्यागी, जी मीडिया मुंबई। कितना शर्मनाक है, क्या फायदा ऐसी हाईफाई सुविधाओं का जब लोग ऐसी हरकत करें। और हर किसी के लिए एक्चुअली एक आई ओपनर खबर है।